सब्सक्राइब कीजिए एसआर टाइम यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। खास करके महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है और जिस तरह से वुमेन जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या क्या ऐसे कर सकते हैं, अपनी भूमिकाएं कैसे अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बेटर निभा सकते हैं, उसको लेकर एक जो उनका रोल रहना चाहिए या उन्हें मोटिवेट करने की बात हो या जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे कि अभी हम इंदौर में हैं और इंदौर में अहिल्या देवी बाई जो हैं उनका जो एक तरीका था, जो वो इतनी न्यायप्रिय थी, जो उनके बेटे को तक उन्होंने, सगे बेटे को उन्होंने हाथी के पाँव के नीचे एक न्याय के लिए दबा दिया क्योंकि उसका बेटा जो था वो औरतों को छेड़ता था, और ऐसी जगहों पर आज महिलाओं के ऊपर लूटपाट हो रही है, उन पर उनके चेन छीने जा रहे हैं, जो एक बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके ऊपर एक तरह से उन्हें लूटा जाता है झूठ बोल के पुलिस द्वारा, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में आज एक बहुत ही दुखद बात है कि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे पूरे नेशन में तीसरे नंबर पे, पूरे भारत देश में तीसरे नंबर पर है महिलाओं पर अत्याचार के लिए, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और इसी को हमें एक तरह से हाईलाइट करना है। और महिलाएं ही महिलाओं को जो उनकी संवेदना समझती हैं, जो उनकी उनका दुख समझती हैं, जो जेंडर सेंसिटिव एक तरीके से होती हैं, तो ऐसे न्यायप्रिय किस तरह से महिलाओं को होकर वो किस तरह से और इंसाफ महिलाओं के प्रति कर सकती हैं और उनकी एक मतलब उनकी जो उनके प्रति हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ किस तरह से वो अपनी आवाज़ और सशक्त तरीके से उठा सकती हैं। और मैम अगर बात की जाए, चूँकि अब चुनाव भी नज़दीक है, अभी राहुल जी के और प्रियंका जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जिसमें विचार किया जा रहा है कि 2019 में जो है एक मैनिफेस्टो में चीज़ लाई जा रही है कि 35 साल तक के जो युवा हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ एजेंडा है चुनाव का कि इसको एजेंडे में ला सकते हैं ताकि युवा वोटर्स काफ़ी ज़्यादा देश में है और 2019 में चुनाव होना है? देखिए, ये तो उनकी चर्चा जो है सो है, लेकिन आज जो कार्यक्रम में हम आए हैं वो ज़्यादा करके महिलाओं पर केंद्रित है और हम देख रहे हैं कि आज जैसे हमारे ही फील्ड की एक लड़की है, एक्ट्रेस है, जो कंगना रनावत, जिसने आज कहा कि मुझे गर्व होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे होने चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जैसे होने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि विषय ये नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने बलबूते पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री बने या वो किसी का बेटा हो, उसका वो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करता है, वो जब उस स्थिति में उस स्थान में आता है तो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो चौकीदारी करेंगे, उनकी निगरानी के नीचे विजय माल्या और नीरव मोदी भाग गए, उनके निगरानी के नीचे रफेल डील जैसी डील हो रही है, और करप्शन के बारे में जो उन्होंने कहा था, जो महिलाओं के अत्याचार के बारे में उन्होंने कहा था, ये बेहद दुख की बात है कि गैंग रेप्स हो रहे हैं। इंदौर में अगर हम ये बात ले लें तो आज 15 साल से बीजेपी का शासन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इंदौर में एक छोटी सी बच्ची जो कि 6 महीने की बच्ची थी उसका भी बलात्कार करके उसे टेरिस से फेंका गया जी। तो ये जब इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो स्कूल ड्रॉपआउट्स पहले कहते थे कि ये स्कूल ड्रॉपआउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप नहीं चाहते कि वो स्कूल जाएं, लेकिन आज वो कारण नहीं है, आज इस कारण से बच्चियाँ ड्रॉपआउट हो रही हैं क्योंकि उनका बलात्कार होता है। वो इतनी, जब आप सोच सकते हैं कि हैवानियत इतनी बढ़ चुकी है, हम किसी भी भाजपा शासित स्टेट को देख ले, कोई भी स्टेट को देख ले, चाहे आप हरियाणा को भी देख ले, तो कुछ दिन पहले 40 आदमियों ने एक औरत का गैंग रेप किया था और 4 दिन तक लगातार किया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई, अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया, उस लड़की की FIR नहीं लिखी गई। उसी तरह से बिहार में हमने हाल ही में देखा कल परसों में कि किस तरह से वहाँ पर भी मुजफ्फरपुर में बहुत बुरी तरह से जो गवर्नमेंट के 14 शेल्टर्स है वहाँ पर एक सुशासन बाबू कुशासन बाबू हो गए हैं और वो 14 गवर्नमेंट के चिल्ड्रंस होम शेल्टर में मतलब बच्चियों का ओपनली रेप हो रहा है और उन्हें शोषित किया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, वो 9 साल से लेके 7 साल से लेके 16 साल के बच्चों का रेप हो रहा है। और कुछ दिनों पहले ही पॉस्को एक्ट को मजबूत किया गया था,
12 साल के नीचे की जो बच्चियां होंगी जिनका बलात्कार करते हैं कि उनको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर सबसे शर्मनाक बात यह है कि बिहार में जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर जो महिला हैं, उनके पति जो बीजेपी से हैं, उनके पति देव ने ये सारे कांड को अंजाम दिया है। वो बच्चियों ने खास करके उनका नाम लिया है, इसके अलावा वो बच्चियों ने एक यूथ बीजेपी लीडर का नाम लिया है जो कि वहाँ का यूथ अध्यक्ष है। तो ये सब जानते हुए भी प्रधानमंत्री का कोई कोई भाषण नहीं आता, कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई कमेंट नहीं आता। इसके अलावा भी गौरक्षक जो आजकल लिंचिंग हो रही है उस पर कोई कमेंट नहीं आ रहा है। और हमने देखा कि कल परसों में, अभी मैं ट्वीट पढ़ रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक महसूस होता है कि एक बकरी का 8 लोगों ने मिलकर रेप किया। मतलब आप गाय के लिए बोल सकते हैं तो बकरी के लिए भी बोल सकते हैं। और बोलना क्या चाह रहे हैं आप लोग? मतलब आप एक इंसान को इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि वो इंसान पुलिस कस्टडी में मर जाता है, उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जाता। तो इन सब विषयों में प्रधानमंत्री को क्या कहना है? तो ये ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जिनके नीचे बेटियों की हिफाजत नहीं हो रही है, बच्चियां महफूज अपने आप को नहीं पा रही है, चाहे वो आसिफा का केस हो जहां पर बीजेपी के मंत्री शामिल हैं, बीजेपी के लीडर, आला कमान लीडर जो शामिल है, वो उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। और मामा जी का तो क्या कहना, मामा जी तो अपनी भांजियों को तो बचा पाने रहे हैं यहाँ पर। पिछले 15 साल से मामा जी का राज यहाँ पर चल रहा है, लेकिन बसों में भी जब लड़कियाँ पब्लिक बस में जब चढ़ती हैं तो अपने आप को महफूज नहीं पाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं उसको। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, ज़रूरी नहीं है क्योंकि भाजपा राज है तो यहाँ पर आपका बहुत ही, आप सबका जो प्रेस का की भूमिका है। आज मैं ये कार्यक्रम में आई हूँ जो महिलाओं की का प्रेस कार्यक्रम है, और ये बहुत ज़्यादा उनका रोल अहम होता है। उन्हें हमें भी संरक्षण देने की ज़रूरत है। बार बार राहुल जी ने ये बात कही है कि मैं संरक्षण प्रेस वालों को दूंगा, क्योंकि कई सारे प्रदेशों में जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, यहाँ पर भी सैंड माइनिंग के केस में प्रेस वालों की हत्या की गई जब वो प्रेस रिपोर्टिंग कर रहा था। तो ऐसे भी प्रेस, ऐसे में प्रेस की जो भूमिका है वो और ज़्यादा, जर्नलिस्ट की भूमिका है वो और ज़्यादा अहम होती है कि ऐसी रिपोर्टिंग की जाए जिससे समाज बेहतर हो और समाज में रहने में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हो, उनको और ज़्यादा एक महफूज वो अपने आप को पाएँ। और इसके अलावा भी जो जितने कांड हैं उसे उजागर करना चाहिए, और सरकार चाहे जिसी किसी की भी हो, लेकिन जो सच है और न्यायप्रिय बात है, खास करके इंदौर जैसे जगह जहां पर ये एक देवी अहिल्याबाई की जगह है जो न्यायप्रिय थी, तो इसमें तो बिल्कुल न्याय होना चाहिए।